गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गरसाना यूट्यूब चैनल। क्लास 4 हिंदी का चैप्टर है, उसके क्वेश्चन है। बरगद का वृक्ष देवी प्रतिष्ठा का अधिकारी क्यों माना गया है? बरगद का वृक्ष देवी प्रतिष्ठा का अधिकारी क्यों माना गया है? स्टूडेंट्स, क्यों माना गया है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को एक साथ छाया प्रदान करता है। बहुत से लोगों को बहुत से लोगों को एक साथ छाया प्रदान करता है। ओके, बरगद के वृक्ष की पत्तियां और फल कैसे होते हैं? पत्तियां बड़ी अंडाकार होती हैं, फल लाल रंग के अंजीर जैसे होते हैं। बरगद के वृक्ष की उम्र किस बात का प्रतीक है? लंबी उम्र का। बरगद के वृक्ष का विस्तार कितना है? 20 से 30 फीट ऊंचा होता है। कितना? 20 से 30 फीट। किस बात का लंबी उम्र का प्रतीक माना गया है? तो स्टूडेंट्स, निवास स्थान सही शब्द चुनकर भरिए। बरगद का वृक्ष बहुत से जीवों के लिए निवास स्थान प्रदान करता है। क्या आएगा? निवास स्थान। इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती हैं। कैसी होती है? अंडाकार होती है। इसके फल अंजीर के फल जैसे होते हैं। बरगद को वृक्ष माना गया है पवित्र। कैसा? पवित्र। यह वृक्ष हमें शुद्ध हवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही और गलत बताना है। बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होता है। बिल्कुल सही। बरगद के वृक्ष का फल लाल रंग का होता है। बिल्कुल सही। वो बरगद के वृक्ष की उम्र बहुत कम होती है। गलत। ये गलत है। बरगद का वृक्ष हवा को शुद्ध करता है। बिल्कुल सही। बरगद के वृक्ष का कोई धर्म से संबंध नहीं है। बिल्कुल है, धर्म से संबंध है, देवता के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कब घोषित किया गया? 1950 में। कब घोषित किया गया? 1950 में। बरगद के वृक्ष की जड़ें कैसी होती हैं? जड़ें बाकी पेड़ों से बड़ी, गहरी और मजबूत। तीन शब्द देने हैं बेटा, बड़ी, गहरी और मजबूत। कैसी होती हैं? बड़ी, गहरी और मजबूत। देखिए, बड़ी, गहरी और मजबूत। बरगद के वृक्ष की लटकती हुई जड़ों को क्या कहते हैं? प्रॉप या ब्रो। वृक्ष बरगद के जो वृक्ष का दूसरा नाम वट वृक्ष। क्या नाम है बच्चों? वट वृक्ष। दोबारा देखिए, बरगद के वृक्ष का दूसरा नाम वट वृक्ष। बरगद के लेटेक्स क्या है? बरगद के पत्ते, छाल, फल, टहनियों से निकलने वाला जो दूध होता है उसको हम लेटेक्स कहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा काम करके व्हाट्सएप पे जरूर डालें।